हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम टेस्ट करने वाले हैं वायर को, और आज हम दो वायर को टेस्ट करेंगे। एक है हमारे पास हॉस्पर का सुपर सेफ असली FR वायर, और दूसरा वायर है हमारे पास ग्रेट वाइट का FR PVC वायर। दोनों का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। दोनों को हर तरह से हम चेक करेंगे, गेज चेक करेंगे, जला कर चेक करेंगे कैसा प्रोडक्शन है, और दोनों वायर 1.5 mm का है, और दोनों को हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए बिजनेस क्लोज। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग वायर को खोलते हैं और इसका हम देखते हैं क्या है अंदर में। तो ये हॉस्पर का वायर है, सुपर सेफ असली वायर 1.5 mm, और ये 90 मीटर का कॉयल है, और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसको छील कर। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और अच्छे वीडियो बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं हॉस्पर का वायर है, वायर का गेज काफ़ी अच्छा है, और इसका PVC भी काफ़ी अच्छा है। देख सकते हैं इसमें वायर कम है लेकिन वायर का गेज ज़्यादा है। मैं आपको जूम करके या फिर फोकस करके दिखाता हूँ। हाँ देखिए, इस तरह का है वायर, और वायर का गेज काफ़ी अच्छा है। वायर इसका मोटा में है, मतलब पतले पतले वायर इसमें नहीं है, गेज काफ़ी अच्छा है। और दूसरा वायर मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ ग्रेट वाइट का, ये भी 1.5 mm है, और इसका भी हम लोग गेज देखेंगे पहले। ये देखिए, इसमें 10 रुपये का कूपन आया है 1.5 mm के साथ में, और हॉस्पर के साथ भी कूपन आता है। इसमें देख सकते हैं इसमें 50 रुपये का कूपन आता है। प्राइस में दोनों का लगभग 200 के आसपास का फ़र्क है, तो कूपन में भी फ़र्क होगा ऑब्वियसली। तो ये देख सकते हैं इसमें 1.5 mm का ही वायर है, लेकिन इसमें आपको वायर ज़्यादा मिल रहा है और वायर का गेज कम है। ग्रेट वाइट का वायर में वायर काफ़ी पतले पतले है लेकिन वायर ज़्यादा है, और इसमें हॉस्पर में आपका वायर कम है लेकिन वायर का गेज यानी कि मोटाई ज़्यादा है। ये देखिए गेज आपको अगर दिख रहा होगा अच्छे से, और इसका भी गेज मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए दोनों का, अब इसका हम टेस्ट करने वाले PVC कि इसका PVC कैसा है, PVC का मटेरियल कैसा है, इसको हम लोग काट कर देखेंगे। ये देखिए मैं इसको काटता हूँ, इस PVC को। ये है ग्रीन वाला हॉस्पर का वायर है। देखिए इसके PVC में कोई मिलावट नहीं है, प्योर PVC है। ये फर्स्ट लेयर यही है, और सेकंड लेयर और लास्ट लेयर भी यही है। इसमें कोई डबल ट्रिपल लेयर नहीं दिया हुआ, बस सिंगल लेयर में ही सारा काम होता है, प्योर PVC है। और ये रेड वाला मैं ग्रेट वाइट का भी निकालता हूँ। इसका PVC मैंने चेक किया था, ये थोड़ा सा पतला है, आपको दिखाता हूँ मैं। और इसके PVC के लेयर में बीच में एक वाइट जैसा रबड़ का लेयर दिया हुआ है, दिखाता हूँ अभी आपको। देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए एक शुरू में लेयर है रेड का, और बीच में वाइट का, फिर अंदर में लेयर है रेड का। और हॉस्पर के वायर में कोई लेयर नहीं था, वो डायरेक्ट PVC था, इसीलिए इसको ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन कहा जाता है। और अब हम लोग आगे चलते हैं, जला कर चेक करते हैं। मेरे पास लाइटर नहीं है, मैं इस मैच बॉक्स से ही जला कर चेक करने वाला हूँ। सबसे पहले हम टेस्ट करने वाले हैं ग्रेट वाइट के वायर को। अगर आपकी आंखें अच्छी है तो देख पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है ग्रेट वाइट। तो चलिए देखते हैं जला कर। अगर किसी को डीलर प्राइस चाहिए होगा तो वो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। और चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का अनबॉक्सिंग देखना हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक बार इसको जलाया है, और देखिए इसका PVC
पिघल चुका है, देख सकते हैं आप। मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ, देखिए इसका पीवीसी पिघल चुका है। देखिए ये एक बार मैंने इसको जलाया और इसका पीवीसी निकल चुका है। अब हॉस्पर के वायर को मैं जला कर चेक करता हूँ और किसी को हॉस्पर की स्विच एक्सेसरीज की अनबॉक्सिंग देखनी हो तो दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पे हॉस्पर की वीडियो बनाई हुई है, बहुत सारी चीज़ों को उसमें दिखाया गया है, साथ में प्राइस भी दिया हुआ है, डिजिटल प्राइस भी दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी माचिस ख़त्म हो गई और देख सकते हैं अभी तक इसे कुछ हुआ नहीं है। फिर मैं दूसरी बारी से जलाता हूँ, देखिए मैंने जो फोकस किया वायर पे, ये मैं दूसरी बारी से जला रहा हूँ, वायर को अभी तक कुछ नहीं हुआ है और वायर का पीवीसी भी अच्छा है, पीवीसी को कैच, वायर जो ऐसे कैच नहीं कर रहा है फायर को और धुआं भी नहीं दे रहा। सबसे अच्छी बात ये है कि ये धुआं अभी तक नहीं दिया और ना ही इसमें आग पकड़ा है। एक बार और जलाते हैं, देखिए अभी तक ये वायर जो है फायर को कैच नहीं किया, तो इसका पीवीसी मटेरियल काफ़ी मजबूत है, देख सकते हैं आप। अभी तक ये आग को पकड़ा नहीं है, ना ही काला धुआं दे रहा है किसी तरह का। मैं तीन कांटे जला चुका हूँ, अभी तक ये ठीक है, वायर काफ़ी गर्म हो गया है जलने की वजह से। और वायर के अंदर देखते हैं कि कैसा है, क्या इसका वायर ख़राब हुआ या फिर इसमें किसी तरह का रस्ट लगा। इसका पीवीसी अभी भी मजबूत था छीलने में, देख सकते हैं अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर का पीवीसी अभी से भी बढ़िया था। और इसका पीवीसी देख लेते हैं, ये देखिए इस तरह से पाउडर इसके अंदर से निकल रहा है। तो बस यही फ़र्क है आपका हॉस्पर के वायर में और अदर ब्रांड के वायर में। इसके अंदर का भी वायर सही है, किसी तरह का रस्ट या फिर काला नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा आपको।